हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं। हमारे पास एक पैलर प्लेट कैपेसिटर है, उनकी प्लेट्स के बीच में जब हमने डायलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है तो उस केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि एक समांतर पट्ट संधारित्र है, उसकी दो प्लेटों के बीच में हमने परावैद्युत पदार्थ रखा है, तो उस केस में धारिता का सूत्र क्या होगा, उसको आज हम डिराइव करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं, हमने यहाँ एक टर्म यूज किया डाइलेक्ट्रिक यानी कि परावैद्युत। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कहते किसको है, ये होता क्या है। जब हम इसको समझ जाएंगे तो इस डेरिवेशन को भी करने में हमें आसानी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक क्या हुआ। डाइलेक्ट्रिक को देख लेते हैं, इसको बोलते हैं परावैद्युत, हिंदी में इसको बोलते हैं परावैद्युत, ठीक है। तो देखिए, जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो एक ऐसा मटेरियल होता है, वो डिफरेंट टाइप का मटेरियल होता है, उसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है, वो अपने अंदर करंट को फ्लो नहीं करने देता है। लेकिन जब हम इस डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के कारण इसके अंदर यानी डाइलेक्ट्रिक के अंदर खुद का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने लगता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डेवलप हुआ इसको अभी मैं आगे बताऊंगी। फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए कि डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल है जो अपने अंदर करंट को फ्लो नहीं होने देता है, किंतु जब भी आप इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर खुद भी अपना क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने लगता है, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए कि डाइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं, इसको डिफाइन करने को पूछा जाए, तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक आर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स, दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, बट वेन प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउज डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दम, ठीक है। यानी कि परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर में से वैद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, किंतु जब इन्हें विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब इनके अंदर खुद अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका हो गया माइका है, ग्लास है, इसके एग्जाम्पल है माइका, ग्लास, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक अपने अंदर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप होने देता है, ठीक है, उसको देख लेते हैं, क्योंकि उससे हमें एक एक्सप्रेशन मिलने वाला है जिसका यूज हम इस डेरिवेशन में करेंगे, ठीक है। तो ये आप कंसिडर करिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इसकी वैल्यू को ई नॉट मान लेते हैं, इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे, इस फील्ड में अब हम डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे। तो हमने ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख लिया, ये डाइलेक्ट्रिक है यानी परावैद्युत पदार्थ, ठीक है। अभी जो डाइलेक्ट्रिक है इसके अंदर एटम्स होंगे, ठीक है। अब ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये जो ई नॉट होगा ये इस डायरेक्शन में जाएगा डाइलेक्ट्रिक के अंदर, ठीक है। अब इसके ई नॉट के पास होने से, डायलेक्ट्रिक में ई नॉट के पास होने से क्या होगा कि डायलेक्ट्रिक के अंदर एटम्स होते हैं, सभी के अंदर एटम्स होते हैं, हमें पता है इसके अंदर भी एटम होते हैं। तो जो एटम होते हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं, तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। यानी कि हम देखेंगे जो एटम्स होंगे वो पोलराइज हो जाते हैं। आप क्या कहोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये वाला एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब डाइलेक्ट्रिक में से गुजरेगा तो क्या होगा कि जो एटम्स होते हैं डाइलेक्ट्रिक के वो पोलराइज हो जाते हैं यानी ध्रुवित हो जाते हैं, और उनके ध्रुवित होने से पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ इंड्यूस होने लगते हैं, ठीक है। क्या होने लगते हैं, इंड्यूस होने लगते हैं यानी कि प्रेरित होने लगते हैं। अब ये जो इंड्यूस चार्ज है, ये जो आवेशित जो प्रेरित आवेश है, इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इन इंड्यूस चार्जेस के कारण है, ठीक है। और मान लेते हैं हम इसका मैग्नीट्यूड कितना है, और ये इसका डायरेक्शन इधर होगा क्योंकि फॉर्म पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और इसका मैग्नीट्यूड हम ईपी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ईपी वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इन इंड्यूस चार्जेस के कारण है, ठीक है। ई नॉट कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस परावैद्युत इस डायलेक्ट्रिक को रखा गया है। अब इन दोनों के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन तो इसी तरफ होगा, डायरेक्शन उसका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही होगा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन अब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा
वो रिड्यूस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, और कितना कम होगा वो हो जाएगा E इक्वल्स टू E नॉट बाई के। क्यों कम होगा? क्योंकि E नॉट उस तरफ है, EP इस तरफ है, तो ये इसके इफेक्ट कुछ अपोज करेगा कि नहीं करेगा, कुछ रिड्यूस करेगा, तो इसके कारण जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रहा है उसी की वजह से जो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो मिलेगा E इक्वल्स टू E नॉट बाई के। E क्या है? हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि परिणामी विद्युत क्षेत्र है। E नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें हमने डायलेक्ट्रिक को रखा है। के यहाँ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है यानी कि परावैद्युतांक है, और के को डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोलते हैं, के को बोला जाता है डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, और हिंदी में से बोलते हैं परावैद्युतांक, ठीक है, के को बोला जाता है। और जो के होता है इसकी वैल्यू वन होती है किसके लिए? इन केस ऑफ वैक्यूम, फ्री स्पेस, एयर, इन सब के लिए के की वैल्यू वन होती है। वैसे डिफरेंट डायलेक्ट्रिक मटेरियल्स के लिए जो वैल्यूज होती है कांस्टेंट की वो डिफरेंट होती है। बस ये ध्यान रखिएगा कि वैक्यूम के केस में, फ्री स्पेस के, एयर के केस में इस के की वैल्यू वन होती है, ठीक है। तो और एग्जांपल इस डायलेक्ट्रिक के एग्जांपल हो गए आपके पास कुछ माइका, ग्लास, ये सब क्या है इसके एग्जांपल है, डायलेक्ट्रिक के एग्जांपल है माइका, ग्लास, और भी बहुत सारे हैं। और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये एक्सप्रेशन आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इस एक्सप्रेशन का यूज हम इस डेरिवेशन में करने वाले हैं। इसको हम यहाँ कहीं नोट कर लेते हैं, इस एक्सप्रेशन को इक्वल्स टू ई नॉट बाई के। तो इस एक्सप्रेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है? इस एक्सप्रेशन से हमें ये समझ में आया है कि जब हम डायलेक्ट्रिक को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड रिड्यूस हो जाता है, उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाता है, ठीक है। तो अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं कैपेसिटर, ये दो पहले प्लेट्स हो गई इसकी, दो इसकी पहले प्लेट्स हो गई, ठीक है। और इन सबका एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है। आप इस तरीके से लिखिए, माना संधारित्र की प्रत्येक प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, माना प्लेटों के बीच की दूरी डी है, माना प्लेटों के बीच की दूरी डी है, ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी डी ले रहे हैं। अब हम लेंगे, देखिए, अब हम यहाँ इसके बीच में, इन दो प्लेट्स के बीच में हम डायलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, डायलेक्ट्रिक परावैद्युत पदार्थ को हम इसके अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। ये दो प्लेट्स हो गई, इन दो प्लेट्सों के अंदर हमने किसको डाला, हमने परावैद्युत पदार्थ को डाला है, ठीक है। ये हमारा हो गया डायलेक्ट्रिक, ठीक है। माना परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक के है प्लेटों के बीच रखा गया है, इस तरीके से लिखिए, माना परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक के है प्लेटों के बीच रखा गया है। माना प्लेटों को प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश दिया गया है, उसको प्लस क्यू हो गया, उसको माइनस क्यू आवेश दिया गया है। अब देख, अब लिखिए नेक्स्ट लाइन में, प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों के कारण, प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों के कारण प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र ई नॉट बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ई नॉट यहां कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड मान रहे हैं, ये जो प्लेट्स हैं इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम ई नॉट मान रहे हैं, और जो प्लेट्स के कारण प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको हमने जहां हमने पहले प्लेट की कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा था वहां भी मैंने आपको ये फॉर्मूला बहुत डिस्कस किया था, इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों? मैंने आपको बताया था एक प्लेट के कारण जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट होती है,
और जो दूसरी प्लेट के कारण होगी वो भी होगी प्लस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। वहां हमने ई माना था, यहाँ हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट मान रहे हैं, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम कितना मान रहे हैं, ई नॉट मान रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, अब हमने यहां किसको रखा है, डायलैक्ट्रिक को रखा है। अब देखिए, परावैद्युत के कारण, परावैद्युत के कारण प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, या आप इसको ऐसा लिखिए ये ज्यादा बेटर होगा, लिखिए परावैद्युत के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायलैक्ट्रिक। ठीक है, आप ऐसा करके लिखिए परावैद्युत के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र, वो हो जाएगा इक्वल्स टू ई नॉट बाई के। ये यहां से आया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कहां से आया, यहां से आया, अभी मैंने इसको इस फॉर्मूले को डिस्कस किया। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में लिखिए, अब हमने क्या लिखना है, अब हमने इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखनी है। ठीक है, तो लिखिए दोनों प्लेटों के बीच विभांतर इक्वल्स टू ई इंटू डी, ये हमने फॉर्मूला डिस्कस कर चुका है ऑलरेडी। इसके इसमें जो स्टेप्स यूज हुए हैं, कुछ फॉर्मूलेस यूज हुए हैं ऑलरेडी, हमने पहला प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में जहां हमने फॉर्मूला डिराइव किया था ये भी फॉर्मूला वहां यूज किया था, ये वाला फॉर्मूला भी वहां यूज किया था, तो आपको यहां ज्यादा समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से। तो ये हो जाएगा वी इक्वल्स टू ई इंटू डी, और ई इंटू डी कैसे आया था हमारा, इस फॉर्मूले से आया था, माइनस ई डॉट डी आर, इस फॉर्मूले से आया था ना, जहां डीवी क्या है, वी है, ई ई है और डी आर की जगह डी है, माइनस साइन इंडिकेट करता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है, वो ये इंडिकेट करता था। तो ये फॉर्मूला यहां से आया है, तो वी इक्वल्स टू हो गया ई डी। ठीक है, अब इस ई की वैल्यू यहां से इस इक्वेशन में पुट करिए तो जगह ई नॉट बाई के इंटू डी, तो वी की वैल्यू क्या आ गई, ई नॉट अपॉन के इंटू डी। अब यहां भी देखिए ई नॉट की वैल्यू क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ई नॉट की वैल्यू इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में पुट करिए तो जाएगा सिग्मा के एज इट इज आएगा, फिर ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, फिर ये हो जाएगा डी, ये हो गया वी। हमें पता है, हमें क्या पता है कि सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, ये होता फॉर्मूला हमें पता है ना, क्यों डिवाइडेड बाई ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो इस सिग्मा की वैल्यू को हम क्या करेंगे, सिग्मा की जगह क्या लिखेंगे, क्यू बाई ए लिखेंगे। तो v की वैल्यू क्या आ गई, v की वैल्यू हो जाएगी q डिवाइडेड बाई k एप्सिलॉन नॉट a इंटू डी, ये हो जाएगा। हमें पता है सिंस, क्योंकि हमें कैपेसिटेंस निकालना है तो हमें फॉर्मूला पता है, सिंस इक्वल्स टू q बाई v, v की वैल्यू इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो c हो जाएगा q होल डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा v की वैल्यू, देखिए ऊपर क्या है, q इंटू डी अपॉन में है k एप्सिलॉन नॉट a, और k एप्सिलॉन नॉट a पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा, q q कैंसिल हो जाएगा, तो c के फाइनल वैल्यू आ गई k एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, ये आ गई ना इसकी फाइनल वैल्यू। तो आप इसको ढंग से देखिए, तो ये फॉर्मूला हमने निकाला था किस केस में, जब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई डायलैक्ट्रिक मटेरियल ना रखा गया हो, उस केस में यही वैल्यू आई थी ना, सी इक्वल्स टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आई थी, आपको ध्यान होगा। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, सी इक्वल्स टू के सी नॉट, एक तो ये फॉर्मूला हो गया आपका इसके लिए, और एक आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी सी इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो सी इक्वल्स टू के सी नॉट। ठीक है, तो सी नॉट क्या है, सी नॉट वो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है जब प्लेट्स के बीच में क्या है आपका, आप कह लीजिए कि फ्री स्पेस है, एयर है, यानी कि डायलैक्ट्रिक मटेरियल को जब नहीं रखा गया है, उस केस में जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था वो आ रहा था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, लेकिन जब हमने डायलैक्ट्रिक को इंसर्ट किया तो हमने देखा कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आ रहा है, के टाइम्स आ रहा है, यानी कि अब कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ गई है उसके, जब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में हमने डायलैक्ट्रिक को नहीं रखा था। ठीक है, तो हमने देखा कि कैपेसिटेंस अब के टाइम्स बढ़ गई है, तो कैपेसिटेंस के बढ़ने से क्या होगा, उसके बढ़ने से अब ये ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता है कैपेसिटर हमारा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ज्यादा स्टोर कर सकता है, इसका मतलब यह है कि अब ज्यादा ये एफिशिएंट हो गया है। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी बढ़ गई है,
तो ये एक्सप्रेशन है इसके लिए, इस डेरिवेशन के लिए कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक को रखा है उस केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है C equals to K epsilon naught A by D, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C equals to K into C naught, ठीक है। तो और ये ध्यान रखिएगा कि इसको इस तरीके से भी पूछा जाता है डेरिवेशन पार्ट कि जब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक को भर दिया गया हो तो ये डेरिवेशन यही है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये हमने इन दो प्लेट्स के बीच में कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक को भर दिया है, इसका पूरा स्पेस जो इनके बीच की प्लेट्स के बीच का जो पूरा स्पेस है उस पूरे स्पेस में हमने डाइलेक्ट्रिक को रखा है, क्योंकि ये डेरिवेशन इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछी गई थी, बच्चे काफी कंफ्यूज थे। तो ध्यान रखिएगा ये डेरिवेशन यही थी जो मैंने अभी आपको कराई, ठीक है। तो हमने देखा इसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया वो आया C equals to K epsilon naught A by D, इस एक्सप्रेशन को याद भी रखेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि डायलेक्ट्रिक कितना यूजफुल है, जब हमने डायलेक्ट्रिक को कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रखा तो इसके दो एडवांटेजेस हमें साफ साफ दिख रहे हैं कि पहला तो बहुत बड़ा एडवांटेज तो यही है कि कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने से ये ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वैद्युत ऊर्जा को ज्यादा स्टोर कर सकता है तो इसकी स्टोरेज पावर जो है वो बढ़ जाती है। एक और बात है, देखिए आपने देखा होगा कि मैंने आपको फोर्स पढ़ाया था कि जब दो प्लेट्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी इतनी थी ना, Q² / 2A epsilon naught, ये पढ़ाई थी ना मैंने आपको। तो मैंने आपको क्या बताया था वहां कि दोनों प्लेट्स आपस में इस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, अगर ये इस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो उस तरीके से तो प्लेट्स को आपस में चिपक जाना चाहिए, लेकिन डायलेक्ट्रिक को रखने से क्या करता है ये इन प्लेट्स को आपस में चिपकने नहीं देता है और इस तरीके से ये डायलेक्ट्रिक को एक स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो हमने देखा डायलेक्ट्रिक का कितना यूज है, तो डायलेक्ट्रिक के होने से इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है जो बहुत बड़ा एक अच्छा फैक्टर है। तो ये था आज का टॉपिक। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में आधा स्पेस लगभग क्या होगा आपका, फ्री स्पेस, फ्री एयर होगी, ठीक है, और आधे स्पेस में हम किसको रखेंगे, डायलेक्ट्रिक को रखेंगे, उस केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था आज का डेरिवेशन, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया हो। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, गुड बाय।